तो ये वाला सवाल देखो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि एक रॉड है और वो रॉड पहले हॉरिजेंटल पोजीशन में है, ठीक ना, पहले ऐसे था हॉरिजेंटल पोजीशन में। अब फाइनली अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसको रिलीज करूँगा, तो ये रॉड ऐसे गिरेगा और ऐसे आएगा। जब ये रॉड वर्टिकल होगा तो वर्टिकल पोजीशन में पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड क्या होगा। अब आई होप कि थोड़ा बहुत आप सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो है ये बेसिकली रोटेशन का क्वेश्चन है, या वो सर्कुलर के भी कॉन्सेप्ट से इसको, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी होता है। तो ये जो ओमेगा है इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर देखो कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो यहाँ होगा, ये जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास होगा, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। जब रॉड ऐसे गिरेगा, ये पॉइंट यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर होता है, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस L/2। तो जब रॉड ऐसे फॉल करेगा तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास ऐसे आएगा, देख रहे हो, जब रॉड ऐसे आएगा तो ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास ऐसे गिरेगा और वो फाइनली यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इसके बाद जो लीनियर वेलोसिटी है वो इधर होगी और ऐसे आर्क ऐसे ये घूमेगा सर्कल में सेंटर ऑफ मास। दिस इज द पॉइंट सेंटर ऑफ मास, वह पॉइंट होता है जहाँ टोटल मास बॉडी का कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, माना जाता है, ठीक ना। तो ये वाली चीज़, तो यहाँ पर जब इस लाइन पे तुम देखोगे तो ये जो लाइन जिस पॉइंट इस लाइन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस एनर्जी होती है, तो आप कहीं भी जीरो ले सकते हो, ठीक ना, आप ऊपर भी ले सकते हो। तो इस पॉइंट पर इस पार्टिकल के पास, मतलब ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देता हूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों पे कंजर्व कर देता हूँ। तो ए पॉइंट पर अगर मैकेनिकल एनर्जी देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पर रेस्ट से चला था रॉड, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पॉइंट हाइट से कितना ऊपर है, ये कितना ऊपर है, L/2 है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी MgH, H की वैल्यू यहाँ L/2 आ जाएगी। फाइनली यहाँ पर देखो उसी लाइन पे है, तो पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, तो काइनेटिक एनर्जी है और ये इस सर्कल में ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, तो रोटेशनल जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ, आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ओ है, यहाँ पर इसके अबाउट पॉइंट घूम रहा है। तो अब तुम यहाँ से देखोगे MgL/2, और यहाँ से ये जीरो, जीरो को छोड़ देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ जीरो को भाई, तो खुश रह। ये अब हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का उस पॉइंट पे ML²/3 होता है, और ये ओमेगा स्क्वायर। तो मास ने मास को ख़त्म कर दिया, टू ने टू को ख़त्म कर दिया, एक एल ने एक एल को मार दिया, तो यह आ जाएगा 3g/l अंडर रूट, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रॉड। तो आई होप कि आपको यहाँ पे चमक आ गया होगा, 3g/l अंडर रूट, दैट इज बी ऑप्शन अपना मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।